नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, आज 10 दिसंबर का दिन है। आज का दिन दोस्तों बेहद ही खास दिन है, क्योंकि दोस्तों आज भगवान हनुमान की अष्टमी है। आज के दिन हनुमान अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, आज के दिन भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के तरह तरह से लोग उपाय करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे करने से आपकी सभी समस्याएं खत्म हो सकती है और भगवान हनुमान को आप प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान हनुमान बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले भगवान में से एक है, इसीलिए वे आपके थोड़े से उपाय करने मात्र से भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आज हनुमान अष्टमी है, तो आज शाम को ये उपाय आपने करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज शाम आपने दोस्तों नहा धोकर एकदम स्वच्छ हो जाना है। स्वच्छ होने के बाद दोस्तों आप किसी भी नज़दीकी हनुमान मंदिर में चले जाएं। हनुमान मंदिर में जाने के दीपक जला लें। दोस्तों, अब हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आपने एक सरसों का तेल का और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। इसके बाद आपने वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, ये हनुमान जी की कृपा पाने का एक अचूक उपाय है। दोस्तों, सुबह स्नान आदि करने के बाद आप दूसरे दिन सुबह श्री राम रक्षा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आपने हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर जीवन में कोई समस्या है या आपकी जो भी इच्छा हो उसे भगवान हनुमान को बता देना है। तो दोस्तों, ये उपाय करने मात्र से आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइए। धन्यवाद।